नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों कोपा ट्रेड का फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों भारत स्किल वेबसाइट से निम्मी के द्वारा जारी किया गया है, उसी का दोस्तों ऑफिशियल सेट है। मैंने और भी सेट करा रखे हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, कोपा का जो इस बार ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सीबीटी एग्जाम हो रहा है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो आप लोगों का पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा, टोटल इसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर दो दो नंबर के रहेंगे, और इसमें आपका दोस्तों किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जावा से रिलेटेड है, और इसके बाद एक वीडियो में और डालूंगा जो कि पाइथन से संबंधित रहेगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए दोस्तों, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो है आपका विंडोज 10। विंडोज 10 आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उस कमांड को पहचानो जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह RM रहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ KDE डेस्कटॉप इन द लिनक्स, KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लिनक्स में है। तो ये जो होता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OSS का मतलब क्या होता है? तो देखिए, OSS का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुक्त रूप से उपलब्ध है और आगे के लिए उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पांचवें का दोस्तों यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन करें, FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, FSF का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाइल। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाइल यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फ्री सॉफ्टवेयर फाइल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सातवां कह रहा है कि सक्रिय दस्तावेजों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए, सक्रिय दस्तावेज को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जो हम लोग कमांड यूज करते हैं दोस्तों वह कमांड हमारा रहता है सेव का। तो सेव यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। देखिए, MS वर्ड में कर्सर की जो वर्तमान स्थिति होती है दोस्तों वह होता है आपका स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता क्या है। तो देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग जो विशेषता होती है दोस्तों वो रहता है आपका वर्ड आर्ट, शब्द कला। दसवां क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है। देखिए, वेब ब्राउजर के रूप में जो दस्तावेज दृश्य दिया गया है वो रहता है आपका वेब लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है, यानी कि क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है यह इसका किस लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखिये, जो क्विक एक्सेस टूल होता है दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों टू होल्ड फैमिलियर एट रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, गटर मार्जिन हम लोग क्यों देते हैं, ये देते हैं मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग, टैब सेटिंग के लिए विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, टैब सेटिंग के लिए जिस विकल्प का उपयोग किया जाता है दोस्तों वह रहता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रूलर। तो 13 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज, कवर पेज का उद्देश्य क्या है।
देखिए दोस्तों, कवर पेज का उद्देश्य रहता है कि अलाउ टू फाइल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। शीर्षक, लेखक दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देने के लिए हम लोग कवर पेज लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए क्या कहा जाता है। देखिए दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए हम लोग उसको मार्जिन कहते हैं। ठीक, तो दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर, तो कॉम्बिनेशन टू आर मोर सेल टू मेक वन इज कॉल्ड मर्जिंग। ये मर्जिंग है, ठीक है, यानी कि सेलों को, दो सेलों को आपस में मिलाएंगे तो वह आपका मर्जिंग हो जाएगा, मर्ज करना यानी कि इकट्ठा हो जाएगा वो। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की जो क्षमता होती है उसको दोस्तों हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। देखिए एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। तो 17 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपन ऑफिस में शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करके किया जाता है। देखिए ओपन ऑफिस में शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करके जो किया जाता है वो रहता है ओपन टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जो साउंड फाइल डाल सकते हैं दोस्तों वो रहता है फ्रॉम इंसर्ट रिस्कोर ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल इन ए टेबल आर प्रिफर्ड टू एज, एक व्यक्ति टेबल को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए एक व्यक्ति टेबल को जो हम लोग संदर्भित करते हैं वह सेल से संदर्भित करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंसर्ट चार्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे। तो एमएस वर्ड में दोस्तों हम लोग जो चार्ट डालते हैं वह इंसर्ट चार्ट करके डाल देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट ए टेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टेबल बनाने का तरीका क्या है। देखिए एमएस वर्ड में टेबल बनाने का तरीका है, 3 तरीके होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेल मर्ज विकल्पों तक पहुँचने के लिए आप एमएस वर्ड में किस टाइप का उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेल मर्ज विकल्पों तक पहुँचने के लिए एमएस वर्ड में जिस टाइप का हम लोग उपयोग करते हैं वह टैब रहता है दोस्तों हम लोगों का मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब यहाँ पर आपका 23 का 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज को निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। तो मेल मर्ज के लिए जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का इनवेलप्स, इनवेलप्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स ऑफिस में सेलेक्ट आइटम्स को कॉपी करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ओपन सोर्स ऑफिस में सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए जो हम लोग की का प्रयोग करते हैं वह की रहता है दोस्तों आप लोगों का कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी से आपको कॉपी होता है। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में कोशिकाओं को जो नाम दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है अल्फा न्यूमेरिकली। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। तो देखिए एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की जो अधिकतम सीमा होती है दोस्तों वो होता है आपका 10 48 576। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है कि पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका इंसर्ट टैब। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में किस टैब का उपयोग करके किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, कैरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों आपका डाटा से, यहाँ पर डाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस प्रकार की को सी टी कंट्रोल
की के साथ समायोजित करना चाहिए। ये रहता है दोस्तों आप लोगों का अल्फाबेटिकली, यानी कि वर्णानुक्रम, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 31 नंबर यहाँ पर आपका आएगा अल्फानुमेरिकली, सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए जो हम लोग फंक्शन की यूज करते हैं वो रहता है आप लोगों का दोस्तों F12। तो F12 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक्सेल 2010 में बराबर चिन्ह के साथ शुरू होगा, तो बराबर चिन्ह के साथ जो शुरू होगा दोस्तों वो रहता है आपका फार्मूला सूत्र। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं। तो जिनमें एक संख्याएं होती हैं वो काउंट होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। तो देखिए दिनांक और समय का जो कार्य होता है वो रहता है नाउ में। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो उपयोग किया जाता है दोस्तों ये रहता है आप लोगों का फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कैप्स में सेलेक्ट टेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिये कैप्स में सेलेक्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए जिस कमांड का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों वो रहता है आपका इक्वल अपर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए एमएस एक्सेल में अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टाइप चार्ट का प्रयोग करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रिबन मेनू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है। देखिए जो रिबन मेनू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का पेज लेआउट। तो पेज लेआउट करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा डेविएशन इज यूज्ड इन डाटा वैलिडेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो देखिए दोस्तों डाटा वैलिडेशन का प्रयोग हम लोग एमएस एक्सेल में करते हैं। ठीक, तो 40 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चार्ट इज नॉट यूज्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में जिस प्रकार के चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है वो रहता है आप लोगों का सर्किल। तो सर्किल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए किसका चयन करेंगे। तो देखिए बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए जो हम लोग चयन करेंगे दोस्तों वह इंसर्ट चार्ट का प्रयोग करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस टाइप और किस फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा। तो देखिए जिस टाइप और विकल्प फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा दोस्तों वो रहेगा आपका इंसर्ट टैब टेबल ग्रुप। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल को एक्सेस करने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे। इसके लिए जो हम लोग टैब पर क्लिक करेंगे दोस्तों वो रहेगा डाटा टैब। तो डाटा टैब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दोस्तों आपके ओरिएंटेशन के। और देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता। तो देखिए जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता वो रहता है आपका एग्जिट। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति कौन सा स्टेटमेंट देता है। ये देता है दोस्तों आपका लूप। तो लूप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है। तो देखिए वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का जो सुपर क्लास है वो है दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्लास। 49 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑब्जेक्ट क्लास में निम्न में से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है। ये जो क्लोन कर सकता है वो रहता है आपका ऑब्जेक्ट क्लोन। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो इनहेरिटेंस को रोकने के लिए जो किया जा सकता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का फाइनल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है जो कि 51 से लेकर 75 तक आपका क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा।
इसको देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देख सकते हैं। इनको पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।